इसी में लिखो भाई, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल। कोई तारीख चार तीन चार फोर है भाई, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल एंड सब सेल। एक बात आप लोगों ने कभी सुना भाई, सेब नाम तो सुना होगा और ओरिएंटेशन का नाम सुना है। मैं कल ये बता दो, सेब कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? जी मोडल क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं? ए क्यू एन बोलो भाई। ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक। हाँ यस सर, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलो भाई, सही है ना? सेब जो डिसाइडेड बाई एजिमुथल क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन डिसाइडेड बाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलो भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, अब देखो ध्यान सुनना, पहले लड़के लिखना मत तुम यार, पहले क्या लिखो? एस ऑर्बिटल, नाम तो सुना है ना एस ऑर्बिटल, अपने मन से बताओ एस ऑर्बिटल के एल की वैल्यू क्या होगी? जीरो। बोलो जीरो। एल बराबर जीरो, और एल बराबर जीरो तो ये कह देगा कि जो एस होता है वो स्फेरिकल होता है। ये क्या बोलेगा? स्फेरिकल होगा। दूसरा आपने का ओरिएंटेशन यानी एम बराबर, एम बराबर भी जीरो हो जाएगा। अगर एम बराबर जीरो तो कहेगा नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल। यस कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल। ध्यान सुनो, इसके यूज करेंगे जाकर के केमिकल बॉन्ड जो पड़ेंगे ओवरलैपिंग। ठीक। यस ऑर्बिटल कैसा होगा भाई? शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। और दूसरा आपने क्या कहा? एम बराबर जीरो से नॉन डायरेक्शनल। आपने मन समझा, फुटबॉल सुने ना, फुटबॉल वॉलीबॉल जो भी होता है, फुटबॉल वॉलीबॉल गेट वगैरह, ये देखो स्फेरिकल हो गया एकदम। आपने मन से देखो, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगा ना भाई। लेकिन जब स्फेरिकल है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इक्वल होगा सब जगह। यस स्फेरिकल है ना, तो नॉन डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अब जहां से किक करोगे उधर जाने लगेगा। उसके अपोजिट स्फेरिकल, इस पे कोई डायरेक्शन? तो यहाँ बस इतना आप सीखना भाई अमरनाथ जी, बनाओ मत कि ये स्फेरिकल का मतलब वो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हर जगह मिलेगा। यस, इसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एनसीईआरटी जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायग्राम बनाए होंगे, वो इस तरह से इधर पूरा ब्लैक दिखा देंगे और बीच में थोड़ा सा वो इसे छोड़ देंगे, बीच में उतना ब्लैक व्हाइट दिखा देंगे। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो दिखेगा, डायग्राम क्या खोजिएगा? कुछ डायग्राम मिलेंगे जो आपको दिखेगा इधर पूरा ब्लैक ब्लैक होंगे, ब्लैक हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में देखें वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होती है। अभी इसमें बस इतना आप समझ रहे हो पहले, जो यस ऑर्बिटल होगा वो कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। यानी इसमें देखो भाई, आप अगर एक्स एक्सिस तो वहां भी इलेक्ट्रॉन उतना ही मिलेगा, वाई में देखो वहां भी इलेक्ट्रॉन उतना ही मिलेगा, जेड है तो वहां भी इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ इस एक्सिस से कोई इफेक्ट नहीं। अब दूसरा देखो, लिखे पी ऑर्बिटल, क्या लिखे दोस्त? इधर देखो, अब अगर हमने लिखा पी ऑर्बिटल, मैं थोड़ा सा यही लिख लेता हूँ, सेकंड पी ऑर्बिटल, ठीक है? नाम तो सुनोगे ना वो, तो पी ऑर्बिटल के लिए सेफ क्या होगा? सेफ यानी एल की वैल्यू वन आ गई ना, इसका मतलब जो पी ऑर्बिटल होगा उसको डम्बल बोलते हैं। कैसा बोलते भाई? डम्बल सेफ। ये इसको ऐसे लिखते हैं पहले डी ओ यू एम बी, डी यू एम बी, फिर बल, जैसे भी समझ लीजिएगा ना, बल नहीं समझे भाई। और यहाँ पे एम की वैल्यू बताओ, पी के लिए एम की वैल्यू प्लस माइनस वन, बचपन से पढ़ते आ रहा ना। यस, यानी हो जाएगा नॉन स्फेरिकल। क्या हो जाएगा? नॉन स्फेरिकल। नॉन स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा है दोस्त? नॉन स्फेरिकल। अब यही पहले आपने कहा डम्बल ना, क्या कहा आपने? डम्बल। यानी ये कह रहा है कि डम्बल देखो ऐसे डम्बल बन जाएगा इस तरह से। डम्बल का मीनिंग देखो भाई, बस ये हुआ डम्बल, ये इसको डम्बल बोलते हैं, जो बाइसेप्स ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं ट्राई किए वो, उसी को डम्बल बोलते हैं। हाँ, गदा भाजो अलग मैटर, तुम कुछ भी भाज दो, वो हम नहीं कहना चाहते, हम बस ये कहते तरफ कुछ डम्बल है। तो पी जो होता है वो उसका सेप कैसा होगा? डम्बल। और दूसरा आपने लिखा ये डायरेक्शनल होता है, सॉरी मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्शनल। अब देखो डायरेक्शनल का मीनिंग समझो, अब इसमें तीन एक्सिस बनाओ, इसे ये देखो एक्स एक्सिस, बोलो भाई, ये मान लो वाई एक्सिस और इसको मान लो जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है भाई। अब अगर वो डम्बल मान लो हमारा किस एक्सिस पे है? वाई पे ना,
एक्स पे कुछ नहीं ना है देखो जेड पे नहीं है। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो इसी लोब इसी डंबल में मिलेगा, इधर देखो ये समझ रहे लोग उसी यहाँ मिलेगा, बट इस एरिया को छोड़ दीजिए और कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन, या तो यहाँ मिलेगा या तो नहीं, समझ गए। अभी यहाँ से तुम इतना फील करो दोस्त कि जो पी ऑर्बिटल होता है कैसा होता है, डायरेक्शन क्यों बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मिलेगा और यहाँ, एक पी ऑर्बिटल में दो लोब होता है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक पी ऑर्बिटल है बट इसमें दो लोब है, आपने जब कहा बाइसेप्स डंबल बोला एक पसरी यहाँ एक पसरी यहाँ, नहीं समझे भाई, डंबल तो एक है ना बट इसमें दो लोब होता है ना भैया, तो ये ऑर्बिटल देखो एक है लेकिन इसमें लोब कितना है दो, ये समझ गए। अब एक बात बताओ, आप अगर कभी आज से 20 साल पहले का घर जो बनाओ, 20 साल 30 साल पहले का, मतलब पापा के अगर गलती से पापा के जमाने का कोई घर अगर हो कहीं गांव में देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा वो जिसे नहीं पढ़ते हैं और खुंटी कपड़ा पर टांगने के लिए लकड़ी का रहता है, पुरानी दीवारों कच्चे वाले पहले वाले, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। आप अगर मान लो आपको दो ऑप्शन दे दें दोस्त, यहाँ खुंटी लगाओ और इसमें लगाओ, फील करो कहाँ लगेगा खुंटी, यही तो आपके उसमें जो बायोलॉजी में है वो जब सैंडविच मॉडल पढ़ते हैं प्रोटीन को जब चिकना नहीं प्रोटीन और वो लिपिड लेयर के उसमें लगा होता है, फील करना। हम क्या बताना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो अगर यहाँ पे कोई होल वोल कुछ एकदम प्लेन है तो यहाँ वो खुंटी यहाँ पे लग पाएगी, बट अगर मान लो यहाँ पे अगर इसमें लगाना चाहे तब लग जाएगी, नहीं ये अलग बात हो कहाँ जाना जाए अलग मैटर है। अब यहाँ वैसे देखो अगर ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर तुम इसमें बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोग यहाँ है ना, बताओ वहाँ है कि नहीं है। अब अगर इन्होंने कहा कि सर मिलाओ ले जाओ आगे, जब लेके इसको इधर आए इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ना, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बताओ कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कभी चिपकेगा, बोलो भाई, नहीं समझ रहे भाई, ये तभी सिमिलर जब अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, नहीं समझे, जब अट्रैक्शन नहीं हुआ तो इसमें कभी ये बॉन्ड, इसी को आप एक नाम देते हैं जीरो ओवरलैपिंग, जीरो कभी नाम सुनोगे, जीरो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में यही सिखाया जाता है कि दोस्त अगर ये एक्स एक्सिस मान लो जो भी एक्सिस है तो दूसरा वाला भी इसी एक्सिस में होना चाहिए, अगर ये वाई एक्सिस है दूसरा किस में होना चाहिए, जब सेम एक्सिस में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि यहाँ यहाँ अट्रैक्शन होगा ना, यहाँ का इधर से अट्रैक्शन होगा, या फिर अगर जैसे ये है इसको भी उसी तरह से कर दीजिए तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग का नाम सुने होंगे, नहीं सुने भाई, या फिर इसको खड़ा कर दीजिए तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया, नहीं सुने, सुने, सुने। लेकिन अगर जब इस तरह से कर दीजिएगा परपेंडिकुलर कर दीजिएगा तो इसमें कभी ओवरलैपिंग नहीं, क्योंकि यहाँ देखो डेंसिटी यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे बीच में कुछ है, यहाँ कोई डेंसिटी है नहीं, तो जब पी को अगर और ध्यान से बनाया जाएगा पी ऑर्बिटल को दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, देखो थोड़ा सा गैप है ना उसी का नाम दे देते हैं नोड, नहीं समझे भाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉन ये जब आएगा यहाँ अट्रैक्शन पाएगा नहीं, लगाओगे फिर गिर जाएगा, अरे खुंटी यहाँ लगाओ ना भैया, इसमें जाएगा खुंटी ले, डेली वो डील वाली मशीन नहीं लाना, बस लकड़ी लेके बट खोटो इसी में, अरे ये पी समझ रहे भाई, बोलो यार यस। अब देखो मान लो अगर हमको एक्स एक्सिस दिखाना, क्या देखना है, ये देखो इधर नीचे का आ रहा है, चलो इधर देखो, हम पहले करेंगे क्या अपने मन समझो, ये तीन हो गया ऐसे और इसको मिटा देंगे, क्या करेंगे इसको मिटा दे, ठीक है वर्मा जी, एक देखो अगर आपने पढ़ा अगर ये प्लस एक्स है उधर माइनस एक्स हो जाएगा, समझ रहे भाई ऐसे, अगर ये मान लो प्लस वाई है इधर माइनस वाई हो जाएगा, ये प्लस जेड है तो इधर माइनस जेड, इसी का नाम दे देते हो पी एक्स ऑर्बिटल, इसका दे देते पी वाई ऑर्बिटल और इसका दे देते पी जी, और इन्हीं को आगे चल के टर्म पढ़ोगे डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट कि इसकी एनर्जी इसके बराबर है, इसकी एनर्जी इसके बराबर, नहीं समझे, तो हम बस यहाँ इतना बोलना चाहते हैं दोस्त, ये डंबल होता है पी आर डी इतना समझ रहे हो, अरे डायरेक्शनल होता है कैसा, या तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग का नाम सुने होंगे या तो साइडवेज ओवरलैपिंग का नाम सुने होंगे,
क्यों भाई और कोई कराओगे फिर जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। रुक जाए ये कैसे लिखोगे कॉपी वो देख रुक जा। तो इसमें ये ऐसे डायग्राम बना लेंगे इस तरह से देखो रुक जा मैं बना दे रहा हूं। अब यही जब आगे चल के ओवरलैपिंग पढ़ोगे एक ही में दिखाएंगे तीनों को। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन तीन पॉइंट बनाता ना नाइट्रोजन बोलो भाई। तो यहाँ देखो जैसे डंबल है ना बोलो भाई सन्नी जी तो या तो पी एक्स को ऐसे मान लो पी एक्स एक्सिस पी वाई को ऐसे मान लीजिए और पी जेड को ऐसे समझे भाई लोग कुछ ऐसे समझ इसको पी जेड मान लीजिए तो क्या मान लीजिए अपने मन से पी वाई इसको क्या मान लिया जाए इसी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब अगर ये एक्स है इसमें वाई और जेड आपको खाली मिलेगा अगर वाई है तो इसमें एक्स और जेड खाली मिलेगा जेड है तो इसमें वाई और एक्स खाली मिलेगा ये बात समझ रहे हैं। और ये सब आपके एक्सियल होते हैं कैसे देखो ये एक्सिस पे बना ना ऑर्बिटल नहीं समझे ये जो तीनों है वो एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल है ठीक। आपने कभी पढ़ा होगा ईजी टी टू जी का नाम सुना होगा ईजी मतलब एक्सियल एक्सिस पे बन रहा है ना या तो एक्स एक्सिस बना या तो वाई पे बना या तो जेड पे बना। अब ऐसे आएंगे डी पे किस पे डी ऑर्बिटल देखो एकदम साफ साफ लिख रहा हूँ ऑर्बिटल मैंने सब सेल ऑर्बिटल सब क्लियर क्लियर आपको बताया है। अब कंफ्यूज होंगे तो अलग मैटर ऑर्बिटल से बड़ा सब क्या लिखा गया भाई से बड़ा से अब बताओ डी के लिए बराबर क्या होगा डी के लिए बराबर दो तो एम बराबर क्या हो जाएगा फिर एम बराबर माइनस टू से प्लस माइनस टू यस सर बोलो भाई यस सर। अच्छा एक बात और मैं बता दे रहा हूँ जो L बराबर हमने पढ़ा था M बराबर माइनस L से प्लस L ना वही जब फिजिक्स या मैथ में जब कहीं आएगा तो प्लस L से माइनस L होता है वो प्लस L से माइनस L। चलो अब इतने से काम चलाते इधर आ जाओ ये d ऑर्बिटल है ना तीसरा। अब L की वैल्यू क्या है दोस्त L की वैल्यू क्या है यहाँ पे दो तो वहाँ क्या था एक वहाँ डबल था यहाँ डबल डबल यहाँ क्या बन जाएगा डबल डबल पर ये समझे डबल डबल फिर बल बेल नहीं भाई ठीक। एम बराबर देखो प्लस माइनस हो गया ना ये क्या हो जाएगा डायरेक्शनल हो जाएगा क्या हो जाएगा डायरेक्शनल इतना समझ भाई पहले यस सर। अब डबल डंबल मान लो लगभग ये कैसे बन गया दूसरा वाला मान लो अरे दो डंबल तो बनाओगे ना ये सब छोटा बड़ा कैसे हो गया और ना बनाओ मान लो इसे थोड़ा ठीक है अब अरे भाई मान एक डंबल ये हो गया और एक डंबल ये ठीक हाँ। इस तरह से ये होता है इसमें देखो एक होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हो गया ना पांच। अब तुम एक कंफ्यूज मत होकर यार पहली बात करना आराम आराम से रहा करो ठीक ठीक अपने मन से उठा लो एक्स वाई को किसको एक्स वाई को बना तीनों ही बना लो बनाना मत तुम्हें देखना चुपचाप देखो चुपचाप तीन को पहले ऐसे बना लो वो गाना सुने हो काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता यस। अब मान लो कि अब मसाला से अगर सोचो को उसके बारे में तो यही ना सोचो कि बार बार काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता जब सुबह होता तब तेरा दर्शन होता नहीं सुने हो आप शशिकांत जी नकार रहे हैं सुनते नहीं सुने हो नहीं सुने रोज तेरे घर के सामने मेरा घर होता रोज सुबह जब सुबह होता तब दर्शन होता नहीं सुने आज सुनेंगे आज सुनिएगा कहाँ मिलेगा यूट्यूब पे यूट्यूब पे मिलेगा मतलब कहाँ किसको कैसे किस टाइम पे गाना देख सर्च करेंगे ये सर्च करेंगे मतलब फील कर रहे हैं ना मतलब किसी से मतलब फील कीजिए जैसे कोई मसाला अगर आपको है आप कहीं मतलब ऐसे मतलब पड़ोसी तो आप ये नहीं सोचेगा काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता जब उधर सुबह होता तब इधर सुबह होता कुछ उधर चार चलता इधर हम देख के फील करते हैं तो फिर डंडा लगा देते क्यों भाई समझो तुम इधर मत सोचो इधर देखो पहले ये क्या लिखा है एक्स मतलब पहले एक्स और वाई है ना मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको मिटाना चाहता हूँ और मैं वाई यहाँ बनाना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जेड को साइलेंट करते रहे ताकि थोड़ा सा हच पच ढेर ना हो लखुर जी ठीक इसको वाई मान लीजिए
और क्या बचा? इसको जेड मान लीजिए, इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा ना, इसको जेड लिख दिए दोनों को, ये जेड लिख, नहीं नहीं क्या लिखना था, वाई जेड सही है, इसको वाई यहां वाई बना दें। बोलो भाई दोस्त। यस सर। ई वाले को मिटा देते हैं ना, सही था, वाई मिटा दिए होते हैं, इसको जेड बना देते हैं, और इसको क्या बना दे, एक्स। गाना कौन सा बताए थे? मेरे घर के सामने मंदिर देख दादे को, अब जो बनवाना है तुम समझना, ये एक्स लिखा है ना भैया, पहला पहला जो डंबल बनेगा वो एक्स के सामने बनेगा, ठीक। दूसरा क्या लेगा उसमें? वाई। दूसरा किस सामने बनेगा? वाई के सामने। ये याद हो जाएगा, ठीक। वो बात अपना चीरा मारते रहना, एक एक चीज कहाँ है। अब जैसे ये देखो, ये क्या है? वाई। पहला डंबल किसके सामने बनेगा? वाई के सामने। वाई के सामने बनेगा। दूसरा जेड के सामने। नहीं समझे भाई, समझ गए। तीसरा देखो, तीसरा जेड के सामने, फिर एक्स के सामने। तो मैंने सबने एक्सिस चेंज किया। नहीं समझे। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे, क्या लिखेंगे? लाइन। ये बताइए कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा? वाई एक्सिस है। इस पे कोई डंबल बना है? नो सर। इस पर कोई डंबल बना नहीं, है नहीं, उस एक्सिस है कि नहीं, नहीं। तो इसका नाम देते हैं नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल। अच्छा, बच्चा गुस्सिया जाता है, क्या करता है? गुस्सिया तोड़ने लगता है। क्या बोल लेंगे? टीटू जी। टीटू जी। टीटू जी। टीटू जी। क्या बोलिएगा? टीटू जी। बिट्टू जी नहीं, टीटू जी। टीटू जी बड़े प्यार से बोलते हैं। कोई मिच्छर थी टीटू जी। हाँ, वो ध्यान लगाओगे ही नहीं लगाओगे। अभी दूठे बचाना भाई। अब ये कह रहे हैं कि अब घर के सामने घर नहीं होना चाहिए, अब साला घर के ऊपर घर बनेगा। इधर देखिए, अब ये थोड़ा फार्म में आ रहे हैं, ठीक है। देख लेके अब सामने से जो है बार बार पड़ोसी ताकता रहता है, इनको पता चल गया है कि जो हम जब आराम देते हैं, जो हमको गया हुआ इस टाइम में कबूतर देखता रहता है। अब ये सोचे कि अब घर के ऊपर ही क्या होगा, घर बने, हाँ सीढ़ी एक ही होगी, कपड़ा फैलाने वहाँ जाएंगे। नहीं देखिए, वो कपिल वाली कोई मूवी थी, कपड़ा गिरता तो नहीं, किसको प्यार तो ऐसे मालिक होता रहता इधर आ जाए। नहीं किस किस से प्यार करूं, स्टार लगा। देखो तुम अब ये कहेगा अब इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक था बीवी नंबर वन, उसमें अगल बगल फ्लाइट होता है, इसमें तो देखेंगे तो ऊपर नीचे फ्लाइट है, मतलब आप इधर उधर नहीं है। ये पहले क्या लिखा ध्यान से देखो तुम, डीएक्स है ना। अभी डंबल कहाँ बनेगा? एक्स में बनेगा। दूसरा कहाँ बनेगा? वाई में बनेगा। उसमें इसमें डिफरेंस है एकदम, क्या डिफरेंस है? नॉन एक्सियल था, एक्सियल बोलते क्या होते हैं, याद रखिएगा, एक्सियल और ईजी। भाई घर के घर सामने घर बनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन कहीं पर तो ठीक है ना। इधर देखो, इसको पहले क्या लिखा है? जेड। ये देखो शशिकांत जी, इधर जेड बन गया। ऐसे समझो आप, ऐसे समझो कभी कभी आप इधर उधर मतलब जाइएगा, कभी शोरूम में कोई आदमी देखेगा जो सूट वूट पहना हो, रेमंड वेमंड का हो, इस तरह का वीआईपी श्री राम मुरम वाला, ऐसे मान लो इस तरह से आदमी है, सूट पहना है ना, गले में पट्टा बांधा होगा, आप लोग टाई बोलते होंगे। एक जो बनेगा इस तरह से रहेगा, जैसे पहले जो कपड़े आते थे यहाँ पे, वो प्लास्टिक या फाइबर का इसमें लगा था इसको टाइट रखने के लिए। पहले अभी भी जो शर्ट आते मैंने देखा है, जैसे एक तो मतलब ऊपर नीचे हो ही गया, यहाँ पे लगा रहेगा इस तरह का। यस। और इसी को गांव में एक नाम आता था, बेबी सूथर बोलते थे, चुसनी बोलते थे, बस छोटे बच्चों को दिया जाता था, इधर भी बड़ा उधर भी बड़ा, सुतनी जो भी मतलब समझ रहे मिला होगा, ठीक नहीं था। आप तो नए जमाने सब डब्बा डब्बा लेके खेल रहे हैं, बड़ा डब्बा। अच्छा, चुसनी बोलता है। हाँ, पहले चलता था, लकड़ी का रहता था, आपको नहीं मिला होगा कोई बात नहीं, फिर से आपका सामान खुश कर दीजिएगा, ठीक है। वो जिम्मेदारी इनको भी तो निभाने को मिलेगा ना, कभी देखा गया क्या? ठीक है भाई, तो ये उसी तरह से होता है भाई, फील कीजिएगा थोड़ा सा, मतलब 3D में नहीं बना पा रहा हूँ, बस फील करो। जैसे एक देखो ऐसे, पहले डी बना इस तरह से, और एक देखो इस तरह से होगा, जैसे आपका ये गला हो गया, जैसे ऊपर का पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन, अब बीच में से टाई नहीं लगाते इस तरह से, मतलब इस तरह से, तो ऐसे होगा, दोनों एक ही एक्सिस पे पाया जाएगा। बनाना चाहे तो बना लो, ये दो को बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल। एक बात और कह सकते हैं, सर ये बाई सेक्टर के 45 डिग्री फॉर्म
जैसे ये बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्टर कर दीजिए 45 डिग्री पे, तो अब उतना छोड़ो पहले एक्सियल और ना नहीं समझ गया पहले काश तेरे घर के सामने मेरा घर नहीं आपका घर होता तो पता चला है किसका घर है ना ऊपर। ये साईं बाबा की बहुत फेवरेट भजन है। यस, अब आप लोग उल्टा सोच रहे हैं तो अलग मैटर है, बट मैं सही चीज पढ़ाता हूँ। अब आप एक बार चले जाओ श्रीनी बाबा साईं बाबा, ये गए एक बार, अकेले गए होंगे इसलिए नहीं समझ पाए हैं। हाँ तो वहाँ माहौल नहीं बनेगा, वो अपने चक्कर पर रहेंगे, आप अपने माहौल में रहेंगे, वो माहौल नहीं सेट हो पाता है। वही बात ना, बहुत कुछ चीजें ऐसे जो पर्सनल घूमिएगा, ठीक है। पापा से बोल दिए, पापा मारा संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, अब ये बता दीजिए। यही बात इम्पोर्टेंट है क्या, कि हमेशा हम घर में देख रहे थे बस दुए पन्ना पड़े, जबकि सर जितना बोल मैं क्या करूँ, मैं सुबह उठ के रोज देख लेता हूँ उसमें ना, जैसे आप उसको मतलब जैसे स्पीड बढ़ा कर देख लेते हैं क्या स्पीड, ये क्या स्पीड बहुत सही सेटअप करते ही रहते हैं, मतलब नॉर्मल स्पीड रहता है और क्वालिटी लगभग ठीक रहता है। स्पीड आपके फोन में आपके ऊपर रहता है, आप 1.25 करोगे तो ठीक चलेगा, ये देख लेना अपने हिसाब से कितने आप देखते हो, बढ़ा देते फिर कम कर देते हैं जैसे अच्छा लगे यार। हम तो कुछ नहीं करते, हेलो चैनल वो देखते हैं मतलब कौन हेडिंग किस में, कौन हेडिंग किस में है, ये रिवीजन करने सबसे सिंपल तरीका होता है। ये भाई तुम तो जल्दी से थोड़ा बना यार, गोला बनाने में 3-4 दिन ले लेंगे क्या, अगर हेडिंग लिखे भाई नोड, ये जो अभी आपने लिखा ना भाई DXY DYZ जो भी लिखा आपने, इसका यूज मिलेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड और डी ब्लॉक में, जो आप बना रहे ना एक्सएल नॉन एक्सएल, इसका यूज कहाँ मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। नोट लिखिए, ये अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल ब्रैकेट लिखिएगा, अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल, अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल, अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है भाई। तो आपने ऑर्बिटल में क्या लिखा था भाई, कि अ 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यहां हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इज याद रखना, हो सकता है कहीं लिखा होगा एफ जेड ई आर ओ, यस की वैल्यू, हाँ जेड ई आर बोले समझे भाई, कहीं लिखा रहेगा उसमें ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान देना, हाँ कोने में रहेगा वो, कभी पॉसिबल नहीं नहीं है। तो इसमें लिख लो भाई, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जीरो, ठीक है भाई। यस सर, लेकिन टू टाइप्स, अब ये देखो नोट वन, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम ऐसे दिखाते हैं साइन स्क्वायर, किसे दिखाएंगे साइन स्क्वायर, अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और अगर ऑर्बिटल होता इलेक्ट्रॉन होता तो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, लिखना इसमें टू टाइप। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, देखो लिखना रेडियल नोड, रेडियल और आपके जो सर पढ़ाते हैं देखो उनका पहला चर ये है, उनके नाम में ये नाम मिलेगा ना, अरे यहां से ये, यहां से बस ये पकड़ो यार, पूरा ना पढ़ो, आर्यस एकदम सही, रेडियल नोड या आर्यस नोड, देखा इनसे मिलो
रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड या फिर इसे बोलते हैं प्लैनर नोड, अपने नाम को इतना बखान करते हैं किसी या किसी का नाम क्या बोल देते चर्चा कीजिएगा सर, आज आपका नाम जो है केमिस्ट्री में भी आया है। यस सर, पढ़ा रहे थे तो बताए हैं, खुदा कुछी में करते हैं जी आर एस का जी हटाइए हमारा। रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड या फिर क्या बोलते हैं भाई, प्लैनर नोड लिखिएगा। द डिस्टेंस, द डिस्टेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है भाई, यहां देखो भाई ये लिखा क्या लिखा आपका, रेडियल नोड बराबर n माइनस l माइनस वन, n माइनस l माइनस वन, n जानते हो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या आपका न्यूट्रल क्वांटम नंबर, और ये दूसरा लिखना भाई एंगुलर नोड। ये तो पूछ लिया सुन, अब आंसर में बताइए एंगुलर नोड, वो भी मैं बता दूंगा जो आप सवाल जिस तरह का पूछ रहे थे। बस यहाँ बस मैं लिखेंगे या डिस्टेंस लिखा ना आपने, इसमें एंगल आ जाएगा ना, द एंगल एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है भाई, यहाँ देखो जो एंगुलर नोड है भाई, एंगुलर नोड देखो भाई इधर सन्नी बाबू किसके बराबर होता है, सिर्फ सिर्फ आपने शायद यही पूछा था क्या सवाल, नहीं डबल डम्बल वो डी ऑर्बिटल वाला पूछा था, आप बोले डी ऑर्बिटल ना जो भी बोला था, देखो एल पे डिपेंड करेगा। अगर एल की बात करते एल के बराबर उसमें कितने मिलेंगे, दो। एक होता है टोटल नोड, क्या होता है दोनों को जोड़ो पहले क्या फॉर्मूला भाई, एन माइनस एल माइनस वन प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, एन माइनस वन। ए भाई कहीं कुछ सीआर है तुम, कौन क्या हो गया चंडे कोटे का भाई से क्या अकेले, अच्छा ठीक है एन माइनस वन एग्जाम्पल लिख लेना दोनों में, जैसे लिख दिया गया देखो सवाल यही आपको मुझे लग रहा ज्यादा मिलेगा, टू एस टू पी, ये एन माइनस एल माइनस वन लगा यहाँ पे, पहले रेडियल नोड पहले क्या निकालना है, एन माइनस जीरो माइनस रेडियल नोड क्या चीज, टू माइनस एक हो गया इसका, टू माइनस जीरो माइनस वन एक, एक यहाँ लगा टू माइनस माइनस वन माइनस जीरो, एंगुलर नोड निकालो इसका, ए एन बराबर एल जीरो हो जाएगा इसका वन, अब ही है तो वन इतना लिखो पहले कुछ क्या हो गया आपको, एक बात और तब लिख लो रुक जाओ, देखो नोडल प्लेन क्या लिख लो, नोडल प्लेन नोडल प्लेन प्लेन एक लिख लो, उसको लिख के तब लिखना, नहीं बस वैसे लिख लो इसको ना लिखे, नहीं रुक जाओ नोडल प्लेन बस कल क्या लिख लेना, एल पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा, अरे नोडल प्लेन किस पे भाई, एल पे डिपेंड करेगा, अब बताओ यस के लिए एल की वैल्यू, यस के लिए एल की वैल्यू जीरो, इसमें नोडल प्लेन कितना हो गया जीरो, पी के लिए बताओ वन, नोडल प्लेन वन, और डी के लिए बताओ दो, ये समझ गए, लेकिन लेकिन डी में एक नाम होता है डी जेड स्क्वायर, इसके लिए पूछेगा नोडल प्लेन तो जैसे एल की वैल्यू तो टू होगी ना भाई डी के लिए, लेकिन अगर इसमें से डी में से कौन सा जेड स्क्वायर के लिए, जेड स्क्वायर की बात करता हूँ उसमें नोडल प्लेन कितना होगा जीरो, उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, नोट कर लो इसको, बस
ये देखो कंप्लीट हो गया, एक बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।